वहीं राजनांदगांव में पुलिस कोतवाली को गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ दो युवकों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार मुखबिरों की सूचना के आधार पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी बसों में गांजा तस्करी करते थे। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो बस की तलाश में खड़े हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली से टीम गई और घेराबंदी करने पर दो व्यक्तियों को पकड़े, जिनके कब्जे से लगभग 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। और ये इसमें एक आरोपी है जो मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी है जो वो भी उड़ीसा का ही है लेकिन अभी सूरत में जाकर रह रहा है। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि ये गांजा को वो सूरत लेकर जा रहे थे। अभी दोनों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किए हैं और दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।